जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी खेती जिसमें आप जितना चाहें उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको शुरू से ही इसके हर स्टेप पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जब आप इस पर ध्यान रखेंगे तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो दोस्तों, ये खेती है केले की खेती। इसके पहले हमने नर्सरी और पौध की चयन के बारे में आपसे बात की थी, लेकिन उसके बाद आता है दोस्तों खेत के चयन के बारे में। खेत का चयन और उसकी तैयारी में अगर आप कुछ छोटी छोटी बातें हैं उन पर ध्यान रखेंगे तो आप केले का अच्छा उत्पादन कर सकेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपकी खेत और खेत की तैयारी पर केले का उत्पादन निर्भर होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों आप लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, केले की खेती में काफ़ी अच्छा किसान प्रॉफिट कमा रहे हैं और कई किसान एक एकड़ में 5 से 6 लाख रुपये तक कमा लेते हैं, और जो किसान मेहनत नहीं करते हैं या उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है वो भी 1 से 1.5 लाख रुपये तक कमाई लेते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको इन बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, केले की खेती का चयन करते समय आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे जो केले की ज़मीन है वो बलुई दोमट होनी चाहिए। बलुई दोमट ज़मीन में केला काफ़ी अच्छा होता है, और उस खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए और पानी की उसमें समुचित व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जल भराव भी केले के लिए ठीक नहीं होता है, और केले के लिए पानी की आवश्यकता होती है लेकिन जल भराव की ज़रूरत नहीं होती, तो इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास में जो खेत में जहां अगर केले लगाए जाएं वहां पे बंदर, नीलगाय और आवारा पशुओं से बचाव की ज़रूरत होती है। इसके लिए दोस्तों आप मार्केटिंग लगा सकते हैं या झटका मशीन जैसी व्यवस्था को कर सकते हैं। इसके बिना केले की खेती में थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो रही खेत के चयन की बात कि खेत कहाँ पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और उसमें जल भराव इत्यादि नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात रही कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, जब आप गेहूं लगा लेते हैं तो गेहूं के बाद आप उस पे खेत में सनई या ढैंचा की हरी खाद लगा दें, जिससे क्या होगा खेत काफ़ी अच्छा उपजाऊ हो जाएगा। और 1 एकड़ खेत में इसके बाद दोस्तों कंपोस्ट खाद लगभग 200 से 250 क्विंटल डालें, और उसके बाद दोस्तों इसको क्या करना है, आपको खेत की जुताई करके उसमें पाटा लगाकर बराबर कर देना चाहिए। और इसमें जो पौध लगाना है उसके लिए आपको गड्ढे खोदने की ज़रूरत है। तो गड्ढों की खुदाई आप 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई और 1 फीट गहराई के गड्ढे खोदने चाहिए, और कई किसान उसे हाथ से भी खोद सकते हैं, और कई किसान जहाँ पे मशीन द्वारा गड्ढे की भी खुदाई की जा सकती है वो मशीन से खुदाई कर दें। और उसके बाद दोस्तों इस गड्ढे की जो मिट्टी निकलेगी उसमें आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें और वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें ट्राइकोडर्मा यानी कि फंगीसाइड का भी प्रयोग करें, क्योंकि अगर कोई फंगस है तो भी जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद पूरे खेत में हल्का पानी लगा दें। एक ख़ास बात और है कि आप वेस्ट डिकम्पोजर का ज़रूर प्रयोग करें। वेस्ट डिकम्पोजर का पानी लगाते समय आप 1000 से लेकर 5000 या जितना आपके पास उपलब्ध है वो पूरे खेत में डालें। इससे क्या होगा, खेत और अच्छा उपजाऊ हो जाएगा। और जब खेत में हल्की सी नमी रहे उसके बाद उन्हीं गड्ढों पर आप जो है पौधों की रोपाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, केले के खेत में हरी खाद, कंपोस्ट खाद काफ़ी बेहतर होती है, तो इसे आप अगर खेतों में प्रयोग करेंगे और शुरुआत से ही करेंगे तो आपका क्या होगा, पौध का जो ग्रोथ है शुरू से ही अगर हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, कि उसके बाद आप चाहे जितना खाद डालें लेकिन उतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आप खेत की तैयारी के समय ही आप इस कंपोस्ट खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसका करते हैं ट्राइकोडर्मा, तो उससे क्या होता है, ज़मीन के अंदर जो फंगस होता है समाप्त हो जाता है, और जो पौधा आप लगाएंगे तो उसका जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपका पौधा स्वस्थ चलता है। यही सब छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों उत्पादन बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों अगले वीडियो में हम रोपाई कैसे करें, उसमें दूरी क्या हो और उसमें कैसे कैसे हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ये सब खास बातें बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।